रांची जिले के राहे थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला घटित हुआ, जहां एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपने ही मंझले साढ़ू अर्जुन महतो को गोली मार करके हत्या कर दी। मामला काफ़ी संगीन था, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समीर कोयरी के मंझले साढ़ू अर्जुन महतो, जिनका उनकी पत्नी से अवैध संबंध था, जिसके कारण समीर कोयरी काफ़ी में गुस्से में था और लगातार मना करने के बावजूद भी अर्जुन महतो नहीं मान रहे थे और इसी गुस्से में आकर समीर कोयरी ने अपने मंझले साढ़ू अर्जुन महतो को मौत के घाट उतार दिया। मामले में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इस घटना पर विस्तृत जानकारी दी। क्या कुछ एसएसपी ने इस घटना के संदर्भ में कहा, देखे वीडियो में। एक अर्जुन महतो नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। हत्या का जब अनुसंधान किया गया तो पता चला कि जो मृतक है उसके साढ़ू ने ही हत्या की है और जो है रांची पुलिस की टीम ने रिकॉर्ड 12 घंटे के अंदर अभियुक्त का गिरफ्तारी किया और जो उसके पास हत्या के लिए प्रयोग किया गया कट्टा था, जो जिस गोली चलाने में जो खोखा था, एक जिंदा गोली सारा बरामद किया। मैंने सारा साक्ष्य जो है पुलिस के सामने है। जब अनुसंधान में इसके द्वारा इंट्रोगेशन जब हुआ इसका अभियुक्त का, अभियुक्त का कहना था कि जहाँ पर घटना घटी, मैंने एक्चुअली ये लोग तीन बहन हैं, उनके तीनों के हस्बैंड तीन साढ़ू थे, तो जो सबसे बड़े साढ़ू थे उसके यहाँ फंक्शन था, मंझला साढ़ू जो है जो मृतक है और छोटा साढ़ू जो है वो अभियुक्त है। जो छोटा साढ़ू है उसकी पत्नी के साथ मृतक का गलत संबंध था और इसके चलते ये बहुत वर्षों से उससे काफ़ी नाराज रहता था और जो साली थी मतलब जो अभी की पत्नी है वह भी काफ़ी परेशान थी, पूर्व में उसने एक साथ गलत संबंध बनाया था, लगातार दबाव डाल के गलत संबंध बनाता था। तो ये बोला कि मैंने प्रण लिया था कि इसको ख़त्म करना है। जब पुलिस की टीम पकड़ी उसमें भी उसने कहा था कि चलिए मेरा व्रत पूरा हो गया, अब मुझे कोई अफसोस नहीं है, दाढ़ी बनाया। तो यह जो मतलब इसका जो रिवेंज था वह इसके पत्नी के साथ गलत संबंध के बारे में ये बता रहा है। बाकी हम लोग इसके बात के सत्यता का भी सत्यापन कर रहे हैं और अभी तक मूलतः अवैध संबंध का कारण ही घटना का कारण है। इसके बाद वो भाग गया था और छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस के लगातार मेहनत और प्रयास, बंगाल जाकर पुलिस की टीम ने, मतलब ये मिड नाइट की घटना है और हमको लगता है कि सुबह 10 बजे तक गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके अनुसार विवाह से पूर्व भी जब वो मतलब अविवाहिता थी इसकी पत्नी, उसमें भी गलत संबंध था और इस तरह शादी के बाद इसने अपने ससुराल वाले को चिताया भी था लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ये अभी प्रेस स्टेटमेंट चाहिए, पत्नी को भी इंसाफ चाहिए था। ठीक है।